अब खबर अजमेर से, जहां ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह कमेटी के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कमेटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही नाजिम को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही मांगे पूरी करने की मांग की, जिसमें फिक्स पर लगे कर्मचारियों को नियमित करने के साथ ही वेतन विसंगतियों को दूर करना भी शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि बीते 4 साल से वो ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया गया है। इसी के साथ मांगे पूरा नहीं करने पर काम के बहिष्कार की भी चेतावनी दी। ये हमने जो पहले दिया था लगातार 3-4 साल से, तो उन पर कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। अभी नाजिम साहब आए थे, इन्होंने कुछ लोगों को परमानेंट भी किया, लेकिन बाकी कुछ लोगों को इन्होंने अभी तक भी रख रखा है। तो ये नाजिम साहब और कमेटी की तरफ से डिले नहीं है, ये बीच में ही है कोई जो जानबूझकर इस काम को लटका रहा है, जबकि ये काम रूटीन के हैं। इस प्रकार महीने की तनख्वाह के लिए बोलना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक महीना होते ही मिलती है। तो वैसे ही 9/18/27 है, या जो जिनको प्रोविजन पीरियड 1 साल में ख़त्म हो गया था, उनको ऑटोमेटिक ही वो 1 साल बाद परमानेंट किया जाना था, ग्रेड में किया जाना था, लेकिन बेवजह बिना किसी बात के 8-9 साल से उनको फिक्स में ही पटक रखा है।